कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। आज सभी 40 किसान संगठनों ने देश भर में चक्का जाम किया। हालांकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को इससे अलग रखा गया था। 3 घंटे तक लोग सड़क पर रहे। चक्का जाम खत्म करने का ऐलान करते हुए राकेश टिकैत ने अक्टूबर तक की टाइमलाइन तय कर दी। 2.5 महीने से धरना प्रदर्शन, 26 जनवरी को दिल्ली में तांडव और अब चक्का जाम। सवाल ये, किससे किसानों को क्या मिला? क्या किसान नेता ऐसे ही समाधान चाहते हैं? शहर अलग, सड़क अलग, अलग रंग है, अलग ढंग है, पर वही प्रसंग है। सड़कों पर किसान, किसानों के संग। ये किसान क्रांति का नया संस्करण है। देख लीजिए इस देशव्यापी दृश्य को। सड़क पर बैठे अन्नदाता संसद में बैठे नीति नियंताओं को अपना इरादा दिखाने उतरे थे। देश के रहनुमाओं को अपने संकल्प से साक्षात्कार करा रहे थे। वक्त तय था, आंदोलित अन्नदाता तैयार थे। कहीं हाईवे पर बैठ गए, कहीं पार्क में। मकसद साफ था, देश का चक्का थाम कर देश के भाग्य विधाताओं को संदेश देना। विरोध की ये तस्वीर फरीदाबाद से आई। हाईवे को घेर कर बैठे थे किसानों के परिवार, बैठे बैठे डांस करने लगे। तो हरियाणा के भिवाणी में महिलाएं सड़क पर बैठ गई दरी बिछाकर। टोल प्लाजा के आगे घंटों बैठकर शांतिपूर्ण आंदोलन को आगे बढ़ाती रहीं। अन्नदाताओं की उमंग की तस्वीर शाजापुर बॉर्डर से भी आई। हाथ में लाल पीले रंग की पताका लेकर लोग नाच रहे थे, कृषि कानून की वापसी के लिए आवाज लगा रहे थे। कहीं सड़कों पर नाच गाना हो रहा था, कहीं सत्संग सा माहौल था। किसान और किसानों के परिवार कतारों में बैठे हुए सरकार को संदेश भेज रहे थे। अब जरा ये तस्वीर देखिए, महाराष्ट्र की। लोग लेट गए थे सड़क पर गाड़ियों का पहिया रोकने के लिए। ठाणे में, नासिक में, मुंबई में, हर जगह पर किसान सड़कों पर उतरे। किसानों के साथ साथ बीजेपी विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता भी झंडा थामे हुए थे। किसानों ने चक्का जाम किया है। अंबाड़ी नाका की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भिवंडी ये इलाका है। और आप देखिए, यहाँ पर चक्का जाम के साथ साथ कई अलग अलग पोस्टर्स हाथ में लिए गए हैं। अगर पोस्टर्स की बात करें तो कई सारी बातें, अपना गुस्सा, अपनी बातें यहाँ जाहिर कर रहे हैं। लेकिन एक अनोखी तस्वीर देखिए, एक किसान जो है वो सड़क पर यहाँ पर लेटे हुए हैं। मराठी ये जो गाना गाया जा रहा है, ये मराठी गाना किसानों का गाना है और ये अपना तरीका है। कड़ी धूप में इस तरह से सड़क पर लेट कर चक्का जाम किया हुआ है। आगे तक तस्वीरें आपको दिखाएं, अलग अलग किसान संगठन जो है वो इस आंदोलन में शामिल है। किसानों के साथ केरल में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर थे। कांग्रेसियों को रोकने के लिए उन पर पानी से प्रचंड बौछार की गई। त्रिवेंद्रम में घंटों हंगामा होता रहा। पुलिस ने जमकर वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। त्रिवेंद्रम में सड़क पर पानी बरस रहा था तो पटना में आक्रोश की आग धधक रही थी। आरजेडी और कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे, नारेबाजी की, आग लगाई, जमकर हंगामा हुआ। पटना में सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार खड़ी हो गई। कोविड सैंपल ले जा रही एम्बुलेंस भी रास्ते पर अटक गई।
जाम छूट नहीं रहा है, किसी तरह से जाम छुटवाई। इसमें सैंपल जा रहा है जांच के लिए एनएमसीएच। अच्छा। में कोविड का सैंपल है। अच्छा। हाँ, 1-15 में वहाँ तक टाइम रहता है जमा करने का, तो 15 मिनट टाइम है पहुँचने का। अभी जाम में है तो कैसे जाएंगे, तो फंस जाएंगे। हालांकि सियासी पार्टियों का झंडा थामे कार्यकर्ता सड़क से रस्म अदायगी करके उठ गए। अहमदाबाद से भोपाल और इंदौर तक चक्का जाम का कुछ ज्यादा असर नहीं दिखा। पंजाब और हरियाणा के शहरों में सड़कों पर लोग ज्यादा दिखे। सड़क पर लोग भी थे और थमी हुई गाड़ियों के कतारें भी दिखी, लेकिन जो उपद्रव 26 जनवरी को दिल्ली में दिखा था वैसा कुछ नहीं हुआ। लोग शांति से बैठे हुए थे। आंदोलन के सेंटर में आ चुके राकेश टिकैत खुद बैरिकेडिंग पर खड़े होकर लोगों को समझाते रहे। गाजीपुर बॉर्डर पर खुद टिकैत ने मोर्चा संभाल रखा था क्रांतिकारी किसानों को शांति संयम और अनुशासन में बांधने के लिए। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसने आंदोलन का रुख ही बदल दिया, इसको लेकर बहुत सचेत हैं वो। और इसी को लेकर ये कहा गया है कि किसी भी रूप में कोई हिंसा ना हो। और देखिए, अपने वॉलंटियर्स को कह भी रहे हैं, हम यहाँ सुन पा रहे हैं, शायद हो सकता है कि आवाज़ आप तक ना पहुँच रही हो, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि ये जो लक्ष्मण रेखा बनाई गई है इसको पार नहीं करना है। ये डर था, आशंका थी, संदेह था, क्योंकि किसानों के नाम पर उपद्रवियों ने गणतंत्र की गरिमा को ध्वस्त कर दिया, लाल किले को लहूलुहान कर दिया था। किसान के नाम पर वो दाग लगाया था दंगाइयों ने, जो अक्षम्य है, लिहाजा पुलिस की तैयारी भी पूरी थी। आंदोलनकारियों को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने के लिए इस बार पुलिस ने गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर करीब 12 लेयर की सुरक्षा की गई थी। गाजीपुर बॉर्डर पर भी पुलिस का सख्त पहरा था। पुलिस की पहरेदारी के बीच किसी भी किसान ने लकीर लांघने की जरूरत नहीं की। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में भी चक्का जाम नहीं था। जहां था वहां से 12 बजे शुरू हुआ प्रदर्शन 3 बजे खत्म हो गया। किसान अपने अपने घर लौट गए। राकेश टिकैत मंच पर आए, कृषि कानून को वापस नहीं लेने और एमएसपी पर कानून बनाने तक यूं ही आंदोलन जारी रखने का ऐलान करते हुए टिकैत ने सरकार के सामने वक्त की नई लकीर खींच ली। हमारा यह है कि हमने अक्टूबर तक का टाइम सरकार को दे दिया है, हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। वो अपनी खूब तैयारी कर रहे, क्योंकि काम हमको भी है, किसान को खेत का काम है, हमको आंदोलन का काम है, क्योंकि आंदोलन आगे भी चलाने पूरे देश भर में जाएगा। राकेश टिकैत बार बार अक्टूबर का नाम ले रहे हैं। पहले अक्टूबर में देशव्यापी ट्रैक्टर रैली का ऐलान किया और अब 8 महीने तक यूं ही सड़कों पर किसानों को बिठाने की टाइमलाइन सेट कर दी है। तो सवाल यहीं से उठता है, क्या अक्टूबर तक यूं ही आंदोलन जारी रखने का प्लान पहले से तैयार है? क्या किसान सब कुछ छोड़कर ऐसे ही समाधान चाहते हैं? तांडव और चक्का जाम से ही किसानों की समस्याओं का समाधान होगा? क्योंकि 26 जनवरी की तस्वीर देश की आंखों में गड़ रही है। गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर नकली किसानों की चोट लोगों को अखर रही है। असली अन्नदाताओं को भी इस तरह का कोहराम बर्दाश्त नहीं है। जिन लोगों पर केस दर्ज है उन्हें पुलिस खोज रही है। वो आंदोलन के झंडा बरदार बने हुए हैं, अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, अलग अलग रूप में आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। संघर्ष बहुत लंबा चला। वही किसान है, वही मांग है, वही इरादा है, सब कुछ वही, जिसके लिए 2.5 महीने से किसान सड़क पर है। इस दौरान करोड़ों का नुकसान हो चुका है देश को। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसमें 70,000 करोड़ का माल से संबंधित है जो दूसरे राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करने वाला था, वहीं 40,000 करोड़ बाहर जाने वाला था। इन तमाम नुकसान के बीच किसानों ने फिर सड़क जाम का ऐलान कर दिया। 40 किसान संगठन सड़क पर उतरे थे, उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ता थे। करीब 2.5 महीने से इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि किसानों को चक्का जाम से क्या मिला। 26 जनवरी के तांडव के बाद किसानों के चक्का जाम का मतलब क्या है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।